आप देख रहे हैं BHBC News। नमस्कार, स्वागत है आपका। मेरा नाम है विपिन चौधरी। बढ़ती महंगाई को लेकर कांग्रेस ने सरकार को जमकर घेरा है। कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया सुरीनेत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बढ़ती महंगाई के लिए केंद्र की मोदी सरकार को जिम्मेदार ठहराते हुए कई सवाल किए हैं। सुप्रिया ने पूछा है कि UPA सरकार के समय सिलेंडर लेकर सड़कों पर बैठने वाली BJP की महिला नेता अब चुप क्यों हैं। वैसे सुप्रिया सुरीनेत की प्रेस कॉन्फ्रेंस की एक और दिलचस्प तस्वीर सामने आई है, और वो ये है कि सुप्रिया सुरीनेत की मेज पर सिलेंडर रखे हुए थे। मतलब साफ है कि बढ़ती महंगाई को लेकर विपक्ष, खासकर कांग्रेस, अब खुलकर फ्रंट फुट पर खेलना चाहती है। देखिए खास रिपोर्ट। बढ़ती महंगाई को लेकर कांग्रेस ने सरकार पर जमकर हमला बोला है। कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया सुरीनेत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बढ़ती महंगाई को लेकर सरकार पर जमकर निशाना साधा है। लेकिन इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की एक दिलचस्प तस्वीर ये भी थी कि सुप्रिया सुरीनेत की मेज पर सिलेंडर रखे थे। सिलेंडर रखने की वजह ये थी कि पिछले 10 सालों में रसोई गैस के दाम में 75 रुपए की बढ़ोतरी हुई है। इसके अलावा पेट्रोल और डीजल का दाम भी लगातार 7वें दिन बढ़ा है। महंगाई को लेकर हालात इतने बदतर हो गए हैं कि राजस्थान के गंगानगर में 1 लीटर पेट्रोल का दाम 99 रुपए के पार पहुंच गया है। यहां तक कि कई शहरों में एक्स्ट्रा प्रीमियम पेट्रोल के दाम 100 रुपए को पार कर गए हैं। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में तो पहले ही पेट्रोल के दाम 100 के पार पहुंच चुके हैं। कांग्रेस के प्रवक्ता सुप्रिया सुरीनेत ने सरकार पर कुप्रबंधन, मुनाफाखोरी करने और आम लोगों की फिक्र नहीं करने का आरोप लगाया और सवाल किया कि यूपीए सरकार के समय सिलेंडर लेकर सड़क पर बैठने वाली बीजेपी की महिला नेता अब कहां है। सुप्रिया सुरीनेत ने कहा कि पिछले 10 दिनों के अंदर इस सरकार ने रसोई गैस के सिलेंडर में 75 रुपए की बढ़ोतरी की है। 4 फरवरी को दाम 25 रुपए बढ़ाए गए थे और अब 50 रुपए बढ़ा दिए गए हैं। यही नहीं, 2 महीने के अंदर सिलेंडर की कीमत में 175 रुपए का इजाफा किया गया है। सुप्रिया ने आगे कहा, आज के समय में दिल्ली में एक सिलेंडर 769 रुपए का बिक रहा है। कांग्रेस प्रवक्ता ने दावा किया है कि यूपीए सरकार के समय एक सिलेंडर की कीमत 400 रुपए के करीब थी। उस समय कच्चे तेल की कीमत $100 प्रति बैरल से ज्यादा थी, लेकिन पेट्रोल डीजल की कीमतों को नियंत्रित रखा गया था। अब पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतें आसमान छू रही है। सुप्रिया ने आरोप लगाया कि इस सरकार के कुप्रबंधन की वजह से देश को महंगाई की मार झेलनी पड़ रही है। कांग्रेस प्रवक्ता ने यह भी आरोप लगाया कि ये सरकार डीजल पर उत्पाद शुल्क को 8 गुना और पेट्रोल पर 2.5 गुना बढ़ा चुकी है। इस सरकार की कृपा है कि देश ने पेट्रोल की कीमत के मामले में शतक लगा दिया है और नया कीर्तिमान गढ़ दिया है। सुप्रिया सुरीनेत ने कहा कि हमारी सरकार से मांग है कि बढ़ी हुई कीमतें वापस ली जाएं और उत्पाद शुल्क कम करके लोगों को राहत दी जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, BHBC न्यूज। रोज की ताजा खबरें सुनने के लिए सब्सक्राइब करें BHBC न्यूज चैनल, साथ ही रोज के नोटिफिकेशन जानने के लिए दबाएं बेल आइकन। साथ ही हमें अपनी राय देने के लिए हमारी वीडियो पर कमेंट करके बताएं, और वीडियोस को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।